जबलपुर शहर में एडीजे आर के श्रीवास हाईकोर्ट के समक्ष ही धरने पर बैठ गए। एडीजे श्रीवास ने अपने 9 मुद्दों को लेकर इस धरने को प्रदर्शित किया। जबलपुर शहर में एडीजे आर के श्रीवास आज हाईकोर्ट के सामने गेट नंबर 3 के पास धरने पर बैठ गए। आर के श्रीवास ने कई मुद्दों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया है। एडीजे श्रीवास ने बताया कि हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2008 एवं 2013 में निर्णय दिया गया था कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी गोपनीय चरित्रवली की जानकारी दी जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट इस निर्णय की पूर्ण रूप से अवहेलना कर रहा है। साथ ही एडीजे श्रीवास ने कहा कि मनमाने तौर पर भ्रष्टाचार कार्यकर्ताओं को पदोन्नति दी जाती है। एडीजे श्रीवास ने बताया कि कम समय में ही उनका स्थानांतरण कई जगहों पर किया गया। इन सभी मुद्दों के विरोध में आर के श्रीवास द्वारा हाईकोर्ट पर धरना दिया गया। जबलपुर से कैमरामैन संदीप मनवारे के साथ कुणाल सिंह की रिपोर्ट। द्वारा धरना दिया जा रहा है। 3-4 दिन पहले इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की और 9 बिंदु इसके संबंध में लिख करके दिए थे कि 9 बिंदुओं के संबंध में जाँच की जाए। सबसे पहला मुद्दा ये था ट्रांसफर पॉलिसी के संबंध में कि ट्रांसफर पॉलिसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर की जाए, सभी जजेस के ट्रांसफर में पक्षपात और भेदभाव ना किया जाए, जो व्यक्ति जहां रहता है उस पॉलिसी के तहत उसका ट्रांसफर किया जाए।